देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज शाम होते ही मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे ही घर से जो निकलना था स्टेशन के लिए। दरअसल मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था उस वक्त, और मुझे दिल्ली से मेरठ जाना था। खैर, मैंने पूरी तैयारी के बाद खाना पीना खाकर वक्त पर सो गया, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं। और मैंने अपने फ़ोन में अलार्म भी लगा दिया सुबह के 4 बजे का। साथ ही मैंने सोने से पहले अपने एक दोस्त को भी फ़ोन करके बोल दिया था कि वो टाइम पर स्टेशन पहुंच जाए, क्योंकि वो भी मेरठ ही जा रहा था। दोस्त को फ़ोन करने के बाद मैं चादर ताने आराम से सो गया, और सुबह 4 बजते ही अलार्म बजा, जिससे मेरी आँख खुली और मैं उठा। फ्रेश होने के बाद मैं तैयार होकर लगभग 5:15 बजे घर से निकला, तो उस वक्त रास्ते में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई रिक्शा मिल जाए, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं रिक्शे की तलाश में आगे बढ़ने लगा, और यूं ही पैदल चलते चलते 1 किलोमीटर तक पैदल आ गया, पर कोई भी रिक्शा अभी तक मिला नहीं था। पर मैं रिक्शे की तलाश में आगे ही बढ़ता रहा। अब मैं चलते चलते वहीं के एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। वो पीपल का पेड़ था, साथ ही बेहद बड़ा भी, कि तभी मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी मेरे पीछे है। जब मैं पीछे पलटा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा होता देख मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी मेरी नजर पेड़ के ऊपर की तरफ गई, जहां मैंने देखा कि कोई था जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदा, मगर वो क्या था साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे मेरी धड़कनें और भी तेज हो गईं। मैं बिना देरी किए वहां से चलने लगा। मैंने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि मेरे सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा था। उस शैतान को अपने पास खड़ा देख मैं तो पसीने से लथपथ हो गया, और हाथ पांव भी लड़खड़ाने लगे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी वो शैतान मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ता देख मैंने अपना दायां हाथ उठाते हुए कहा, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैंने इतना कहा ही था कि उस शैतान ने मेरे हाथ में जोर से हाथ मारा, जिससे मेरी उंगली से अंगूठी निकलकर नीचे गिर पड़ी, और उस अंगूठी के 2 टुकड़े हो गए। अंगूठी में हाथ मारते ही वो शैतान धुआं बनकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं तेजी से भागा, जहां आगे जाकर मुझे एक रिक्शा मिला, और सीधे मैं स्टेशन पर पहुंचा। मुझे परेशान होता देख मेरे दोस्त ने पूछा, तो मैंने सारी बात उसे बताई, तो उसने कहा कि दरअसल उस पेड़ पर उस आदमी की आत्मा रहती है, और तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए था। वो तो अच्छा था कि तुम्हारी अंगूठी पर ओम लिखा था, और उसके छूते ही वो भाग गया। उस अंगूठी ने ही तुम्हारी जान बचाई है। ये सब जानने के बाद मैं डरा हुआ तो था ही, पर कुछ देर बाद मुझे राहत भी मिल गई, और तभी हमारी ट्रेन आ गई, जहां से हम मेरठ के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।